डांस करती हुई नैना कलियों जैसा हुस्न छुपाया हर अदा में नूर है आया साथ मरे और सतहत्तर गाया। लेटेस्ट गानों पर झूमती हुई नैना तू रब को क्यों ऐसा बनाया तेरा जिससे पड़ गया पाला अच्छे को गलत कर डाला तेरा नहीं तेरा कोई दोष दोष तेरा हुस्न ही जबरदस्त दस्त तू चीज बड़ी है मस्त मस्त तू चीज बड़ी है मस्त। लेकिन अपने स्वाभिमान के लिए अपनी बहन मेघना के आंसू पोंछती नैना जीजा जी के साथ भांगड़ा करती नैना बहन मेघना के साथ गिद्दा पाती नैना ओ तेनू सूट सूट करदा ओ तेनू सूट सूट करदा सूट करदा तेनू सूट सूट करदा ओ नी तू लगदी पंजाब। लेकिन जब आती है घर की याद तो नैना हो जाती है सेंटी वो गर्मियों की रात वो जाने की बात वो पानी का मटका रसोई की आग सब सताता है मुझे। सास बहू बेटियां आज कर रहा है एक झूमता हुआ और रुलाता हुआ डे आउट सीरियल एक श्रृंगार स्वाभिमान की नैना यानी अंकिता शर्मा के साथ। चंडीगढ़ की एक कुड़ी बड़ी ही जोशीली है जो करती है अजब गजब डांस। तभी तो अंकिता के डांसिंग वीडियोस फैंस के बीच में बहुत लोकप्रिय है क्योंकि इनका डांस है बेहद गजब का। लेकिन रियल लाइफ में बड़ी ही इनोसेंट छोटी सी लड़की जो चंडीगढ़ से आकर मुंबई में बना रही है अकेले रहकर अपना मकाम। वो पेड़ वो आंगन दिखाना है उसे कहता। सुबह सुबह पीती है मिल्क शेक खुद ही अपने हाथों से बनाती है डब्बा सेट पर खाती है समोसे और जब आती है सीरियल में एक्टिंग करने की बारी तो बन जाती है चौहान परिवार की संस्कारी बहू नैना। तो चलिए शुरू करते हैं अंकिता के साथ घर से सेट तक का सफर। शुरुआत करते हैं सुबह सुबह अंकिता के घर जाकर बजा के उनके घर की घंटी और उन्हें कहकर गुड मॉर्निंग। हेलो गुड मॉर्निंग आइए चलिए। ऐसा देखा नहीं खूबसूरत कोई जिस्म जैसे अजंता की मूरत कोई। बहुत कमेंट्स वगैरह पड़े थे कि लोगों को देखना था कि मैं अपना दिन कैसे शुरू करती हूँ कैसे बिताती हूँ। एक्चुअली मैं क्योंकि चंडीगढ़ से रहने वाली हूँ फैमिली पूरी वहाँ है तो अपना घर होता है घर से बाहर तो क्या। बट फिर भी मुझे लगा कि अगर लोगों को मन है तो क्यों नहीं। भाई अंकिता अपनी मॉर्निंग गुड करती है सबसे पहले अपने इस डांसिंग एक्सरसाइज के साथ। मोस्टली मैं क्या करती हूँ ऑनेस्टली बताती हूँ तो रोज़ एक्सरसाइज नहीं हो पाते तो बट बिकॉज आई थिंक जो भी लोग मुझे जानते हैं उन्हें पता है आई लव डांसिंग तो कभी कभी मैं डांस कर लेती हूँ। उससे क्या मुझे बहुत एंड आई ट्रूली मीन इट मुझे बहुत पॉजिटिविटी फील होती है और मुझे लगता है कि आज का दिन अच्छा निकलने वाला है। तो चलिए दिन की शुरुआत करते हैं अंकिता के साथ। भाई अंकिता बहुत अच्छी डांसर है और इस डांस के बहाने उनकी एक्सरसाइज भी हो जाती है और साथ साथ उनका शौक भी पूरा हो जाता है। तो शुरू करते हैं अंकिता का मॉर्निंग गुड मॉर्निंग डांस। तेरा जिससे पड़ गया पाला अच्छे को गलत कर डाला तेरा
नहीं तेरा कोई दोष दोष तेरा हुस्न ही जबरदस्त दस्त तू चीज बड़ी है मस्त मस्त तू चीज बड़ी है मस्त तू चीज बड़ी है मस्त मस्त मैं चीज बड़ी हूँ मस्त शिट किसी कार्डियो से कम नहीं है बिकॉज मैं पैंट कर रही हूँ और स्वेट कर रही हूँ और ऊपर से मेरा दिल बहुत खुश हो गया है. सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द डे एंड ऐसा लग रहा है कि पूरा दिन अच्छा जाएगा. पता नहीं क्या होगा पर इस टाइम तो वही फीलिंग आ रही है. तो आई रिकमेंड दैट कि आप लोग भी ऐसा करो तो अच्छा लगेगा. और ये फिल्मी गुड मॉर्निंग डांस तो हो गया लेकिन सुबह की शुरुआत दरअसल अंकिता करती है अखबार पढ़ने और दूध पीने के साथ जो बचपन से ही उनको उनके मम्मी पापा ने सिखाया है. स्कूल का टिफिन होना पर जो दूध सुबह बच्चों को पिलाने की ड्यूटी थी वो मेरे पापा की है और हमेशा याद आ जाता है कि वो बोलते थे फिनिश करने और मुझे जल्दी होती थी स्कूल बस पकड़ने की. एंड मेरी लाइफ में ऐसे भी मोमेंट्स हुए हैं बहुत फनी है बट मैंने दूध इतना पिया है और स्कूल बस के लिए चली गई हूँ. स्कूल बस में बैठ गई हूँ फिर देखती हूँ स्कूल बस चल नहीं रही है. क्यों? क्योंकि किसी ने रुकवा दी. वो पापा हैं इतना ग्लास वापस लाकर बस में चढ़कर पिलाते थे. मैं बोलती हूँ पापा क्यों एम्बैरेस करो सब बच्चे देख रहे. सो आई थिंक दैट वाज वेरी क्यूट एंड आई रियली मिस इट. चंडीगढ़ में पली बड़ी अंकिता मुंबई में अकेली रहती है. घर से बाहर आकर इट्स वेरी डिफिकल्ट एंड इन अ सिटी लाइक बॉम्बे जहाँ पर यू नो सब कुछ आई वुड से पर काम सबसे बड़ी प्रायोरिटी है. वार्मथ और प्यार ये सब बहुत बाद में आता है तो यहाँ पर वो सब ढूंढना बहुत मुश्किल है. घर याद आता है मुझे. जो घर के सारे काम खुद ही करती हैं तो कैसी है उनकी जिंदगी पूछते हैं अंकिता से. सुबह यूजली बहुत ज़्यादा रश होता है क्योंकि कॉल टाइम पर पहुंचना होता है. तो सबसे पहले नाश्ता करती हूँ और उसके बाद कोशिश करती हूँ कि जो दुनिया में हो रहा है वो भी देख लूँ. तो थोड़ी न्यूज़पेपर रीडिंग होती है एंड यूजली आई थिंक सबको पता है कि टीवी एक्टर्स के पास ज़्यादा टाइम नहीं होता है सीन्स के लिए. उसी वक्त सीन्स आते हैं और आपको करने होते हैं. तो अगर कभी मुझे पता होता है कि कुछ आज कुछ बड़ा सीन होने वाला है जहाँ मेरी बहुत लाइन्स है तो मैं ट्राई करती हूँ कि मैं उसकी स्क्रिप्ट पिछली रात को ले आऊँ और फिर जाने से पहले एक बार स्क्रिप्ट देख लेती हूँ. अंकिता अपने चंडीगढ़ वाले घर को बहुत मिस करती हैं और अपने घर के इस फेवरेट कोने में आकर वो अपना फेवरेट गाना बजाती हैं और हो जाती हैं इमोशनल और सेंटिमेंटल. यहाँ पर यूजली मैं अपनी इवनिंग्स में बैठती हूँ और एक गाना है जो मुझे बहुत प्यारा लगता है वो सुनती हूँ और कभी कभी सेंटी हो जाती हूँ. वो गाना ऐसे है मैं बहुत गंदा गाती हूँ फिर भी एक लाइन गा के सुनाती हूँ. घर याद आता है मुझे. घर याद आता है मुझे. सब सताता है मुझे. घर याद आता है मुझे. घर याद आता है साथी. ऐसा गाना है मतलब इट टेक्स यू डाउन द मेमोरी लेन और आपको वो बचपन और वो जो एक होता है ना घर का पंजाबी में बोलते हैं वेड़ा मीन्स बाहर जो वरांडा होता है जहाँ बच्चे यूजली खेलते हैं हर चीज़ याद आ जाती है. लिरिक्स इतने ब्यूटीफुल है म्यूजिक द वॉइस सो आई रियली एंजॉय लिसनिंग टू दिस सॉन्ग. अब चूंकि मुंबई में अंकिता अकेली रहती है इसलिए अकेले रहने वाली सारी टेंशन उन्हें भी है. तो देखते हैं आखिर कितना सजा संवरा है उनका घर. बहुत मैसी बेडरूम है बट कोई बात नहीं ऐसे ही होता है जब बच्चे बाहर रहते. रियली इट्स वेरी मैसी. ओके कम दिस इज द बेडरूम और इट्स वेरी मैसी. तो जब सुबह तैयार होके जाना होता है आई डोंट थिंक बहुत लोगों का ऑर्डर्ड होता है यही हाल होता है. मेरा तो घर पे भी यही हाल होता है पर इसके बाद मम्मा सब कुछ सेट कर देती थी. अभी वो नहीं होता है अभी खुद आके करना पड़ता है. पॉजिटिव वाइब फील हुई थी इसलिए मैंने ये लिया और ये यहाँ पर छोटा सा कॉर्नर है भगवान जी का
तो मंदिर तो जाया नहीं जाता, इतना टाइम नहीं होता है, तो सुबह यहीं पर और सोने से पहले भी एक बार प्रे कर लेती हूँ। ये एक टेबल है, फ्रेंड्स वगैरह आए तो यहाँ बैठकर चिल कर सकते हैं। ये देखिए मुझ जैसी सेल्फ ऑब्सेस्ड लड़की का कैलेंडर जहाँ पर सारे मंथ्स मेरी ही पिक्चर से हैं। एक्चुअली एक फैन ने गिफ्ट किया, बट आई थॉट दैट वाज वेरी क्यूट, क्योंकि अपने आप को हर महीने की शुरुआत में देखना अच्छा लगता है। अभी तो मैं मई निकाल के रखूँगी, मेरा बर्थडे मंथ है वो। मैं स्वाभिमान देखती हूँ रिपीट टेलीकास्ट 11:30 को रात को। एंड दिस एरिया आई लव द मोस्ट बिकॉज हियर आई सिट एंड चिल। आई रियली लाइक द हॉल। यहाँ पर अगर मैं ये ऊपर कर लूँ तो प्लेजेंट वेदर हो तो मज़ा आता है। अब वक्त हो गया शूटिंग पे जाने का और अंकिता का डब्बा भी तैयार है, पर आखिरकार कौन तैयार करता है अंकिता का डब्बा, और देखते हैं कि आज वो अपने डब्बे में क्या लेकर जा रही हैं। टेस्टी खाना है जिसके मेरे सेट पे सब एक वो एक्टर्स पहन चुके हैं, वो पदम बनाता है जो कैमरा कॉन्शियस है और वो नहीं आना चाहता है कैमरा। पदम यार कुछ नहीं होना, दैट्स सो क्यूट आई थिंक। तो देखते हैं आज क्या दिया पदम ने। इट्स मटर पनीर, ओके, दाल, क्वांटिटी बहुत कम है पर उसको पता है मेरा एपेटाइट, मैं इतना ही खाती हूँ तो मोस्टली मेरा खाना बच कर वापस आ जाता है। और ये कुछ रोटियाँ होंगी तो बस ये टिफिन पैक करके निकलते हैं काम पर। डब्बा तैयार है, अंकिता भी तैयार है, तो चलिए निकल पड़ते हैं सेट की ओर। लेकिन सेट पर जाने से पहले मुंबई की गर्मी से बचने के लिए अंकिता सबसे पहले पीती है नारियल पानी। आई थिंक नारियल पानी इज द बेस्ट थिंग टू हैव, तो मैं कोशिश करती हूँ दिन में एक नारियल पानी तो पी लूँ कभी। यहाँ पर अगर ज़्यादा लेट नहीं हुई होती तो वहीं बिल्डिंग के बाहर मिलता है, और अगर बहुत दूर ही हूँ तो सेट पर जाकर मंगवा लेती हूँ। तो मेरा धन है तू है तो धनवान। अंकिता रहती है गोरेगांव में और इनका सेट है फिल्म सिटी में, एक ऐसी जगह जहां से अंकिता ने अपने करियर की शुरुआत की थी। मेरा दूसरा शो है जिसके लिए मैं फिल्म सिटी में ही शूट करती हूँ, तो इट्स अ वेरी प्राउड फीलिंग, क्योंकि मुझे अब तक याद है मैं कैसे कंटेस्टेंट से भरी हुई गाड़ी में यहाँ पर आई थी ऐसे विजिट करने फिल्म सिटी। घर से सेट तक के सफर के दौरान अंकिता ने सुनाई हमें अपने स्ट्रगल और सफर की कहानी। अंकिता ने इस दुनिया में कदम रखा था एक रियलिटी शो टिकट टू बॉलीवुड के साथ, तो क्या वाकई में ये शो उनके लिए टिकट टू बॉलीवुड था? सब कुछ होता नहीं है, बट मैं फिर भी उसमें से पॉजिटिव देखती हूँ कि उस रियलिटी शो की वजह से मुझ में वो बिलीव तो आया कि यू नो यस आई कैन बिकम एन एक्टर। तो उस शो ने मुझे उतना दिया, और उसी शो में मैंने बहुत बड़े बड़े एक्टर्स के सामने परफॉर्म किया था, नवाजुद्दीन, इरफान खान जी, मुकेश छाबड़ा जो इस टाइम सबसे बड़े कास्टिंग डायरेक्टर आए थे बॉलीवुड के, ये सब मेरे जजेस रहे हैं। और वहाँ से मुझे कॉन्फिडेंस मिला, लेकिन मैं वापस चंडीगढ़ जाती हूँ विनर होने के बाद एंड वापस अपनी इंजीनियरिंग कंटिन्यू करती हूँ। कौन कहता है कि सपने सच नहीं होते, इनकी चमकती आंखों और दिल जीत लेने वाली मुस्कुराहट से पूछिए। अर्जुन और अंकिता टिकट टू बॉलीवुड के सुपरस्टार्स, विश देम लक। बतौर अभिनेत्री अंकिता का पहला सीरियल था जी टीवी का सीरियल लाजवंती, जहां उन्होंने खुद को ही प्ले किया था, यानी एक पंजाबी लड़की जो बंटवारे का शिकार हो जाती है। जहां यू नो एक लड़की चंडीगढ़ से जो अभी तक काफी हाथ पैर मार रही थी, अब फाइनली जी का एक शो करेगी जहां पर शी विल बी प्लेइंग द टाइटल रोल लाजवंती। तो अभी तक बहुत आई थिंक वो बहुत दिल के करीब है वो रोल मेरे, क्योंकि वो एक पंजाबी लड़की थी, बहुत चुलबुली थी, बहुत ही प्यारा शो था, एक रिटन स्टोरी पे बेस्ड राजेंद्र सिंह बेदी जी के, वहाँ से मेरी शुरुआत हुई। आप टेंशन मत लो कमला ताई, मैं कल सुबह एक कार्तिक को लेके हमेशा के लिए गायब होने वाली हूँ। लाजवंती के बाद अंकिता ने एक नेगेटिव रोल किया सी टीवी के सीरियल ये वादा रहा में, जो उनके पिछले सीरियल से बिल्कुल हटके था। मैंने एक नेगेटिव साइको रोल लिया आफ्टर डूइंग सच अ पॉजिटिव रोल कॉल लाजवंती, और उसके बाद मुझे उसके लिए बहुत अप्रिसिएशन मिला। और जब वो मेरा कैमियो था 3 मंथ्स, जब वो ख़त्म हुआ उसके बाद
कहीं ना कहीं वो बात रहती है कि लोगों ने कहा था कि इसके बाद शायद तुझे मिलेगा नहीं कोई पॉजिटिव रोल, और उसके बाद हियर आई एम डूइंग अ राजश्री पॉजिटिव लीड। ये बात आ रहा के बाद अंकिता को मिला एक श्रृंगार स्वाभिमान। कलर्स चैनल के सीरियल ने अंकिता को एक नई पहचान दी है और नैना बनकर आजकल वो घर की फेवरेट बहू और बेटी बन गई है। बातें करते करते हम पहुंच गए मुंबई के फिल्म सिटी, जो है एक श्रृंगार स्वाभिमान का सेट। वैसे फिल्म सिटी के साथ अंकिता की बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। सेट पर पहुंचते ही सीधा चलते हैं अंकिता के मेकअप रूम में, जहां वो बन जाएगी अंकिता से नैना। अंकिता का मेकअप होता है बहुत खास, और खास कर उनके बाल हो जाते हैं लंबे लंबे। Now whatever you at, babe, you can make the whole room stare, but you know that my favorite is when you're rocking that this is way. Oh, tenu suit suit karda, oh tenu suit suit karda, suit karda, tenu suit suit karda. Oh, ni tu lagdi panjaban, lagdi patola, lagge ni tu saryan to vakh ni, tenu suit suit karda. तू लगदी पंजाबन, लगदी पटोला, लगे नी तू सारियां तो वख नी, तेनू सूट सूट करदा। वैसे मेकअप के बीच में वो अपने फेवरेट समोसे खाने के लिए सड़क पर आना भी नहीं भूलती। ये हमारे घर के बाहर समोसे वाले भैया आते हैं, और मैं बहुत स्ट्रीट फूड की शौकीन हूँ, मुझे बहुत टेस्टी लगता है, स्पेशली इनकी चटनी। तो मैं सिर्फ चटनी के लिए समोसे खाती हूँ। मटर गश्ती खुली सड़क में, तगड़ी तड़क भड़क में, ओले गिरे सुलगते से, सुलगते से सड़क में, छतरी न थी बगल में आया। तो आखिरकार अंकिता तैयार हो गई नैना बनके, और तैयार होकर सबसे पहले वो मिलती है अपनी ऑन स्क्रीन बहन मेघना के साथ, जो रियल लाइफ में भी उनकी बहन बन गई है। अभी मैं अंकिता से नैना बन चुकी हूँ, और मैं आपको मिलवाना चाहती हूँ जिस शख्स से मैं सबसे पहले आकर सुबह मिलती हूँ, चाहते या ना चाहते हुए। ये री मेरी मेघू दी, ऑल्सो नोन एज संगीता दीदी। बेस्ट पार्ट है जो मुझे शो में उनको बोलना होता है, जैसे रेफर करना होता है, रियल लाइफ में भी वही है। सुबह आते ही दीदी, अच्छा ये बताओ दीदी, हाँ दीदी हम यहाँ क्यों बैठे हैं, यहाँ पे एसी काम नहीं कर रहा है, चलो हैं। दीदी भूख लगी है। तो रियल लाइफ बॉन्डिंग बहुत ही सिस्टर वाली ही है, और आई थिंक शो में हमें कमी करनी पड़ती है, मतलब आई थिंक ऑफ एग्जैक्टली अपने आप हो जाता है। हमारे अगर सीन साथ में हो तो ज्यादा दिमाग नहीं चलाना पड़ता है, बिल्कुल भी नहीं चलाना पड़ता, नेचुरली एक्ट करना पड़ता, अपने आप निकल के आ जाता है। भाई अंकिता के डांसिंग टैलेंट का क्या कहना, और आज उनकी डांसिंग पार्टनर है उनकी बहना रानी। तो चलिए देखते हैं दोनों बहनों का गिद्दा। ओ तेनु सूट सूट करदा, ओ तेनु सूट सूट करदा, सूट करदा, तेनु सूट सूट करदा, ओ नी तू लगदी पंजाबन, लगदी पटोला, लगे नी तू सारियां तो। जब ये आती है रूम में तो बस दिल खुश हो जाता है, देख के चलो आ गई, अब ये मस्ती करेगी, बातें करेगी, म्यूजिक बजाएगी, और हम सबको अभी कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सबकी कमी अब ये पूरी करने वाली है। एंटरटेनमेंट। भाई दीदी से तो मिलिए, लेकिन अब मिलते हैं जीजा जी से, यानी कुणाल उर्फ साहिल उपल से। ओके बाय। रहे नैना के जीजू कुणाल और नैस साहिल। तो ये अभी मेकअप वो मेरे दादा हैं। मैं रोज इनके लिए पराठे। हेलो हेलो, अंकिता और संगीता के लिए रोज पराठे लाता हूँ, पंजाबी के काम आते। तो ये पराठा कनेक्शन कुछ वैसा है। भाई जीजा और साली की पराठों वाली मस्ती तो हो गई, लेकिन अब थोड़ा भंगड़ा शंगड़ा हो जाए। मेरा शेवित साहिल वो भी मेरे से थोड़ा क्रेजी है, तो अच्छा लगता है। हम सभी क्रेजी हैं सेट पे, सब लोग क्रेजी हैं, और सबके साथ बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। मस्ती में हुआ ना। अब लड़के को तैयार होने देते हैं। थैंक यू सो मच। इनको टाइम बहुत लगता है। तो भाई दीदी और जीजा जी की मस्ती के बाद अब चलते हैं सीधा सेट पर।
देखते हैं। अरे चुप कर जाओ यार, बहुत तंग कर रहे हैं सब। सो हियर वी एंटर, दिस इज द चौहान हाउस इन जयपुर एंड कम, दिस इज लाइक माई सेकेंड होम, इसलिए मैं घर पे कह रही थी कि मैक्सिमम टाइम तो सेट पे ही निकलता है। जहाँ पर अंकिता आज बड़ा ही इमोशनल सीन शूट करने वाली है। मैंने सोचा था मैं जब भी डे आउट करूंगी कुछ चिल सा सीन होगा, बट ऐसा नहीं है, सीन बहुत इंटेंस है। दीदी बहुत रो रही है, मैं बहुत रो रही हूँ। सो आई थिंक ये अच्छी बात है, बिकॉज इससे आपको दिख जाएगा वॉट इज एन एक्टर्स लाइफ, कैसे आप उठते हो, कैसे आप चीज बड़ी है मस्त मस्त पे डांस करते हो, समोसा खाते हो और आकर यहाँ रोते हो। अंकिता और नैना के ससुराल यानी चौहान हाउस में मचा हुआ है हंगामा। मेघना की आंखों में आंसू है तो वहीं पर नैना उसे संभाल रही है, यानी दोनों बहनों के बदलने जा रहे हैं रिश्ते। माँ के स्वाभिमान को लेकर दोनों बहनों के बीच में अब पड़ने वाली है दरार। इस हैवी ड्यूटी ड्रामे भरे सीन के बाद अब वक्त है लंच का। तो आज हम अंकिता के साथ लंच करेंगे उनके ऑन स्क्रीन पति यानी समृद्ध बावा के साथ। वैसे उनको ज्वाइन कर रहे हैं सीरियल के सारे कलाकार, और लंच पर खाना पीना तो होता है, साथ साथ होती है ढेर सारी मटर गश्ती। तो दो लोग हैं जिनसे मैं नहीं मिलवा पाई थी, वन इज आशिका ख्याति एंड दीज आर बेसिकली वीआईपी पीपल समरे, जो लेट आते हैं एक सीन के लिए करके अपना जाते हैं, हमारे जैसे नहीं सुबह से शाम तक रो रहे होते हैं। आज थैंक्स टू आज तक आपकी वजह से मुझे नैना के साथ फर्स्ट टाइम लंच करने को मिल रहा है, क्योंकि नैना यूजुअली मेरे साथ लंच करती नहीं है। तो आज मुझे नैना के घर का खाना भी मिलेगा। आई एम सो ग्लैड टिफिन खोले और मुझे दिखे इसमें कि नैना घर से क्या लाई है। वाओ, पनीर इज माय फेवरेट, और नैना को मैंने बताया पनीर मेरा फेवरेट है, तो मुझे पता है वो सारा इतना सा सिर्फ मेरे लिए लाई है, बाकी सब खा चुके हैं। तो ये मैं ले लेता हूँ। ये भिंडी भी बहुत बढ़िया है, बड़ी स्वाद है। आलू, यस। वैसे काफी लोग अंकिता को छोटे पर्दे की श्रद्धा कपूर बुलाते हैं, तो क्या वाकई अंकिता लगती है श्रद्धा कपूर जैसी? स्वाभिमान की टीम की मस्ती तो जारी रहेगी, क्योंकि इन्हें पूरे दिन करनी है ढेर सारी शूटिंग, लेकिन अब वक्त है सास बहू और बेटिया के जाने का। बहुत अच्छा लगा आपके बहाने में टाइम पर पहुंच गई, थोड़ा जल्दी उठ गई। एंड आई थिंक बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत लोग कह भी रहे थे और मैंने वो पढ़े थे कमेंट्स, तो आई थिंक इंटरेस्टिंग होता होगा लोगों के लिए एक कैरेक्टर को उसके रियल लाइफ में देखना, कैसे उनका दिन शुरू होता है और सेट पर लोग कैसे रहते हैं। तो उम्मीद है अंकिता शर्मा के साथ पूरा दिन बिताकर आपको इस चुलबुली और इनोसेंसी लड़की के बारे में बहुत सारी छोटी छोटी और प्यारी प्यारी बातें पता चली होंगी, जो आप तक पहुंचाई सिर्फ और सिर्फ सास बहू और बेटिया ने। ओके, बाय बाय, थैंक यू। तो चीज बड़ी है मस्त मस्त, तो चीज बड़ी है मस्त। मुंबई से नूपुर मौर्य के साथ आज तक ब्यूरो। मैं चीज बड़ी